अरे ये कैसा आदमी है, ये तो आइसक्रीम बेच रहा है। अरे यहाँ पर तो एक भी बच्चा नहीं है, लगता है सारे बच्चे स्कूल चले गए। अब ये आइसक्रीम कौन खरीदेगा, आगे जाकर देखता हूँ, शायद कोई बच्चे मिल जाए। आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम ले लो। अरे लगता है यहाँ पर किसी का घर है, मैं उसी के घर चला जाता हूँ। आइसक्रीम ले लो बच्चों, आइसक्रीम ले लो। अरे ये आइसक्रीम कौन चिल्ला रहा है, मैं अभी पीछे घूम कर देखती हूँ। पिंकी जैसे ही पीछे घूमती है अरे ये कौन है, ये तो बहुत ही डरावना लग रहा है। अरे ये क्या, इधर तो नैन्सी तैयार होकर मारा हर्ष के घर जा रही है और साथ साथ पिंकी भी है। नैन्सी जल्दी चलो, अब थोड़ी देर में स्कूल बस भी आ जाएगी। अरे हाँ हाँ पिंकी चल रही हूँ ना, मायरा हर्ष तो तैयार भी हो गए होंगे। मम्मी जल्दी पानी डालिए, आँख में साबुन लग रहा है मम्मी। अरे हाँ हर्ष रुको अभी डालती हूँ मम्मी। अरे हो गया हर्ष। अरे वाह हर्ष, नहाकर कितने अच्छे लग रहे हो, अब चलो मैं तुम्हें स्कूल ड्रेस पहना देती हूँ। चलिए मम्मी मुझे स्कूल ड्रेस पहना दीजिए, आज तो मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मैं स्कूल जाऊँगा ये। अरे ये क्या, हर्ष तो नहा रहा है। पिंकी लगता है आज मेरा हर्ष स्कूल नहीं जाएंगे, वो देखो हर्ष अभी नहा रहा है। अरे हाँ नैन्सी चलो हम लोग आंटी से पूछते हैं कि मेरा हर्ष स्कूल जाएंगे कि नहीं, वरना हम लोग चले जाएंगे। हाँ चलो पिंकी आंटी से पूछते हैं। हर्ष क्या तुम स्कूल नहीं जाओगे? अरे नैन्सी पिंकी तुम दोनों। अरे जाऊंगा स्कूल, तुम्हें किसने कहा कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा? अरे वो तो बस मैंने ऐसे ही पूछ लिया क्योंकि अब स्कूल बस आने का टाइम जो हो रहा है। अरे हाँ वो तो है नैन्सी, लेकिन मैं बहुत जल्दी ही तैयार हो जाता हूँ, तुम लोगों की तरह एक घंटा थोड़ी ना लगाता हूँ। अरे आओ हर्ष देर मत करो। हाँ मम्मी आ रहा हूँ, चलो नैन्सी पिंकी मेरे घर चलो। हर्ष स्कूल ड्रेस पहनने जा रहा है, आज तो मैं स्कूल ड्रेस में बहुत अच्छा लगूंगा। चलो पिंकी जल्दी चलो। हाँ हाँ चलो नैन्सी। अरे बच्ची मुझसे मत डरो, मैं तो तुम्हारी ही तरह एक इंसान हूँ। अरे नहीं मुझे आपसे बहुत डर लग रहा है, आप यहाँ से चले जाइए वरना सारे बच्चे डर कर भाग जाएंगे। अरे नहीं नहीं बच्ची मुझसे कोई नहीं डरेगा, बस तुम यहाँ से एक आइसक्रीम खरीद लो, अभी तक कोई भी आइसक्रीम नहीं खरीदा है, मैं बहुत उदास हूँ, तुम खरीद लो तो मुझे कुछ पैसे हो जाएंगे। इधर मीना मायरा हर्ष के लिए टिफिन पैक कर रही है। मैंने मायरा हर्ष के लिए टिफिन पैक कर दिया है। हर्ष तुम तैयार हो गए, अब स्कूल बस आने का भी टाइम हो गया है, मैं ये टिफिन तब तक बिस्तर पर रखती हूँ। चलो हो गया। मम्मी जल्दी स्कूल ड्रेस पहनाइए वरना मैं लेट हो जाऊंगा। अरे हाँ हर्ष लाती हूँ तुम्हारा ड्रेस, नहीं लेट होगा, मैं जल्दी जाती हूँ। अरे क्या हुआ, जल्दी आइसक्रीम खरीदो। अरे नहीं मुझे बहुत डर लग रहा है आपसे, आंटी आंटी मुझे बचाइए आंटी। नैन्सी नैन्सी चलो हम लोग घर में छुप जाते हैं, यहाँ पर एक भूत आ गया है और वो आइसक्रीम बेच रहा है और वो जबरदस्ती आइसक्रीम खरीदने के लिए कह रहा है, चलो जल्दी नैन्सी यहाँ से वरना वो हम लोगों को पकड़ लेगा, जल्दी चलो। अरे शांत रहो पिंकी, क्या हुआ तुम्हें, साफ साफ बताओ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। नैन्सी तुम बाद में समझना, मैं तो घर में छुपने जा रही हूँ, वो आता ही होगा, वो बहुत ही डरावना है। पिंकी घर में छुपने लगती है। हाँ वो भूत यहाँ पर नहीं आ पाएगा। अरे क्या हुआ पिंकी, इतनी घबराई हुई क्यों हो? अरे पता नहीं मायरा पिंकी को क्या हो गया है, वो बहुत ही घबराई हुई है। क्या ऐसी बात है, मैं अभी पिंकी से पूछती हूँ आखिर उसे क्या हुआ है। पिंकी तुम्हें क्या हुआ है, तुम इतना क्यों डर रही हो? मायरा तुम जल्दी से इस घर में आ जाओ, वो भूत आता ही होगा। अरे कौन भूत पिंकी? अरे मायरा पीछे देखो। पीछे? अच्छा ठीक है मैं अभी देखती हूँ। मायरा जैसे ही पीछे घूमती है आ, मम्मी बचाइए मुझे मम्मी, अपने घर पर भूत आ गया मम्मी, जल्दी बचाइए। अरे पिंकी सच कह रही थी, ये तो सच में बहुत ही खतरनाक भूत है।
चलो तुम लोग आइसक्रीम खरीदो, कैंडी खरीदो, फिर चॉकलेट खरीदो। अगर तुम लोग आइसक्रीम नहीं खरीदोगी, कैंडी नहीं खरीदोगी, तो फिर मैं तुम लोगों को यहाँ से पकड़ कर ले जाऊंगा। ये क्या, ये तो सच में बहुत ही खतरनाक भूत है। मम्मी, नानी माँ, जल्दी इधर आइए और पापा को भी कॉल करके बुलाइए। अच्छा, तो एक बच्चा यहाँ पर है, चलो बाबू कैंडी खा लो। अरे अरे जाओ यहाँ से, मुझे बहुत डर लग रहा है। मम्मी, नानी माँ, जल्दी आइए। इधर तीनों बच्चे घर में छुप गए हैं। अरे वो कैसा भूत है, वो तो जबरदस्ती सभी को कैंडी खरीदने के लिए बोल रहा है। अरे तुम कौन हो, मेरे घर पर कहाँ से आ गए? तुम जल्दी यहाँ से चले जाओ, बच्चों को क्यों डरा रहे हो, वरना मैं पुलिस को बुला दूंगी। क्या तुम पुलिस को कॉल करोगी? लेकिन मैं तो तुम्हारा फोन खराब कर दिया हूँ, फिर तुम कैसे पुलिस को कॉल करोगी? अरे तुम्हें क्या चाहिए, तुम क्यों सभी को परेशान कर रहे हो, तुम यहाँ से चले जाओ। देखो मैं तुम लोगों को कुछ भी नहीं करूँगा, लेकिन हाँ मेरा पूरा आइसक्रीम खरीदना होगा, क्योंकि मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। मेरे बच्चे बीमार है और उसको इलाज करवाना है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, इसलिए तुम जल्दी से मेरा सारा आइसक्रीम खरीद लो। क्या इतनी सी बात? अच्छा ठीक है, चलो मैं तुम्हारा सारा आइसक्रीम खरीद लेती हूँ और कैंडी भी। वैसे तुम्हारा दुकान कहाँ है, तुम कहाँ पर आइसक्रीम बेचते हो? मैं यहीं पर लेकर आया हूँ, आप लोग मेरे पीछे पीछे आइए। ये रहा मेरा आइसक्रीम और कैंडी। चलिए मम्मी जल्दी खरीदते हैं। हाँ हाँ चलो गीता। अरे सारे बच्चे कहाँ चले गए, वो तो दिख ही नहीं रहे हैं। मम्मी हम लोग यहाँ पर हैं। अच्छा ठीक है, तुम लोग यहीं पर रहो। ये लो पैसे और मुझे सारा आइसक्रीम और कैंडी दे दो। हाँ हाँ मैं जल्दी देता हूँ। चलो मेरा सारा आइसक्रीम और कैंडी बिक गया, अब मैं यहाँ से जाता हूँ। मम्मी ये सब खाने में भी बहुत डर लग रहा है, कहीं इसमें जहर मिला दिया होगा तो? भूत गीता के घर से चला जाता है। मम्मी मम्मी वो भूत यहाँ से चला गया? अरे वाह, इतने सारे आइसक्रीम और कैंडी मैं अभी खाता हूँ। अरे नहीं हर्ष, इसे मत खाओ। मम्मी भूत यहाँ से चला गया, अब हम लोग बाहर आए। हाँ हाँ सभी बच्चे बाहर आ जाओ, वो भूत यहाँ से चला गया है। चलो चलो मायरा जल्दी बाहर चलो। ओ नहीं, आज तो हम लोग स्कूल भी नहीं जा पाए, पता नहीं वो भूत कहाँ से आ गया था। चलो पिंकी जल्दी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।